नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा देश के एक और मुद्दे के साथ। और आज हम उस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर विभागों से लगातार ये कहा जाता है कि इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, स्वास्थ्य जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अलीगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो ये बयां कर रही है कि शासन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को इससे गुजरना पड़ता है, ऐसी तकलीफें आम जनता को होती है। तो सरकार के आदेश के बावजूद भी डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते अस्पताल, मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती है अस्पताल के बाहर, गरीब और बेसहारा लोगों को भले ही एक रुपए में इलाज मिल रहा हो, लेकिन इस सब के बावजूद अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति से साइकिल स्टैंड के नाम पर 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। साइकिल के 10, मोटरसाइकिल के 20 और आपके पास चार पहिया वाहन है तो 30 रुपए। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में अंडर ट्रेनिंग स्टाफ बैठा रहता है और बहुत ही अभद्र तरीके से मरीजों से पेश आते हैं। वही रोगियों को सफाई की नसीहत डॉक्टर देते हैं, लेकिन यहाँ खुद का आंगन उनका गंदा पड़ा है। अस्पताल प्रांगण में अपार गंदगी है जो बीमारियों को न्योता दे रही है। कोई भी मरीज डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी में इलाज कराने के लिए जाए तो सबसे पहले डॉक्टर सलाह देते हैं कि साफ सफाई रखिए। और आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल की, जहां वार्डों के बराबर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और आगे क्या क्या इस अस्पताल में असुविधाएं हैं वो आप खुद इस रिपोर्ट के जरिए देखें, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा भी करेंगे। रोगियों को सफाई की नसीहत, खुद का आंगन मैला, जिला अस्पताल में गंदगी की भरमार, अस्पताल में समय से नहीं पहुंचते डॉक्टर, रोगियों की लंबी कतारें, सरकार के आदेश के बावजूद भी डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते, मरीजों की अस्पतालों में लंबी कतारें लगी रहती हैं, गरीब बेसहारा लोगों को भले ही एक रुपए में इलाज मिल रहा हो, लेकिन इस सब के बावजूद अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति से साइकिल स्टैंड के नाम पर 10 से लेकर 30 रुपए तक वसूले जाते हैं। साइकिल के 10, मोटरसाइकिल के 20 और कार के 30 रुपए। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में अंडर ट्रेनिंग स्टाफ बैठा रहता है और बहुत ही अभद्र तरीके से मरीजों से पेश आते हैं। वहीं रोगियों को सफाई की नसीहत देते डॉक्टर्स का खुद का आंगन गंदा पड़ा है। अस्पताल प्रांगण में अपार गंदगी है जो बीमारियों को न्योता देती नजर आती है। कोई भी मरीज डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी में इलाज कराने के लिए जाए तो सबसे पहले डॉक्टर सलाह साफ सफाई रखने की देते हैं। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल की, जहां वार्डो के बराबर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वार्डो में मरीजों के बेड के नीचे कुत्ते आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दराज से चलकर मलखान सिंह अस्पताल इलाज कराने पहुंचे लोगों को गंदगी के चलते निश्चित तौर पर और ज्यादा बीमारी का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों का कहना है कि गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक मरीज ने गंदगी के साथ साथ गर्मी में बंद पड़े कूलर की भी समस्या बताई। बताया कि लंबे समय से कूलर बंद पड़े हुए हैं, पंखे नहीं है, प्रशासन के स्कोर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कई मर्तबा चिकित्सकों से इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन डॉक्टर्स ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सीधे तौर पर अस्पतालों में गंदगी व्याप्त है, आवारा पशु अस्पताल में घूमते नजर आते हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वहीं सीएमओ का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में अगर मरीज इलाज कराने आए तो उसकी तबीयत सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी। मैं लक्ष्मीपुर से आई बेटा। तो यहाँ कैसी कैसा इलाज मिल रहा है आपको? इलाज बेटा मैं कल की आई हूँ और कल से मेरे पति परे हैं और 2 बोतल कल चढ़ा दी है। अब बुखार चढ़ गया मैंने बहुत जोरों को, रात मैंने कई दफे गई हूँ। सफाई कैसी है? हम सफाई तो खूब गंदगी है बेटा, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। गंदगी है मतलब खूब ही है, सारी गंदगी है। सफाई कपड़ा में तो कर गए, यहाँ नीचे देखो का है। तो मलखान सिंह अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ईश्वर देवी बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। हालांकि कुछ मरीज खाना खाने के बाद पॉलिथिन या जो भी कूड़ा होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं। रहा सवाल कुत्तों का, तो समस्या यहाँ पुरानी है, इसको लेकर मैं शासन और प्रशासन को पत्र भी लिख चुकी हूँ। कुत्ते और बंदरों की यही बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखें।
कोई भी बाहर का खाना ना लें, कटे हुए फल सब्जियां, कोई बासी खाना, ऐसी चीज़ें ना लें। अपना साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाथों को अच्छे से धोएं, धोने के बाद, और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं सैनिटाइज़ भी करते रहें अपने हैंड, और इसके बाद भी अगर कोई बीमारी होती है तो तुरंत उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये बुखार, डायरिया, डिसेंट्री जो है, इनमें छोटे बच्चे खास तौर से डिहाइड्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो सुना आपने, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कह रही हैं कि यहाँ पर सालों से कुत्तों और पशुओं की, बंदरों की समस्या लगातार बनी हुई है। और रही बात गंदगी की, तो उनका कहना है कि मरीज के साथ जो लोग आते हैं, यानी कि जो तीमारदार आते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, हम तो सफाई व्यवस्था भरपूर रखते हैं। अब सवाल ये है कि जब मरीज गंदगी फैलाते हैं तो आप उनको ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? आपका स्टाफ और आपके स्टाफ यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं रहते? और कई आरोप ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स भी समय पर नहीं आते। आखिर इनका जवाब कौन देगा? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब हर बार की तरह वही लपातुला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जिला अस्पताल, जिसकी तस्वीरें आपने देखी और सुना भी, जो तीमारदार वहां पहुंचे हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि कमरों में तो सफाई कर दी जाती है, लेकिन जहां तीमारदार रुकते हैं वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अस्पताल के अंदर जो है वो आवारा जो जानवर हैं वो घूमते रहते हैं, आवारा पशु घूमते रहते हैं, और ये समस्या आज की नहीं है, कई सालों की बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस मुद्दे पर। आकाश ने अस्पताल में जाकर किस तरह की तस्वीरें देखी है वो हम सीधे उनसे ही जानेंगे। आकाश, मलखान सिंह जिला अस्पताल, दूर दराज से लोग आते हैं लेकिन ना तो उन्हें टाइम पर इलाज मिल रहा है, ना अस्पताल में डॉक्टर टाइम से आते हैं, और वसूली की भी बात यहाँ की जा रही है कि साइकिल स्टैंड के नाम पर वसूली ली जाती है। और क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पर तीमारदारों को झेलनी पड़ती है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल की जो साफ तौर से तस्वीरें आपको लाइव दिखाई रहा हूँ, हालांकि स्वास्थ्य विभाग को बार बार यहाँ के जो पेशेंट, जो परिजन यहाँ पर आते हैं, बार बार स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ की जो CMS हैं, यहाँ के जो CMO हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बार बार ये शिकायत दी जाती है कि स्वास्थ्य की वो व्यवस्थाएँ बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सुबह 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 से ही मरीजों का आना लगा शुरू हो जाता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसके बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं समय से। हालांकि 10 बजे का समय डॉक्टरों को जो है वार्ड में बैठने का होता है, OPD में बैठ करके मरीजों को देखने का होता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है समय से वहाँ पर नहीं मिलता, जिसके कारण लंबी लंबी कतारें लग जाती है, मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है। और तो यहाँ अगर बात की जाए साफ़ सफाई व्यवस्था की, तो साफ़ सफाई व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर देखा जाता है कि नालियों में काफ़ी गंदगी रहती है, और वार्डों में तक जो वार्ड हैं उनमें जो मरीज एडमिट रहते हैं उनमें कुत्ते घूमते रहते हैं, जिसको अनदेखा करते हुए, जबकि मौके पर 2400 घंटे किसी न किसी कर्मचारी की ड्यूटी वहाँ पर रहती है, इसके बावजूद भी वहाँ पर कुत्ते घूमते रहते हैं, जो बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। और तो और मैं अगर मैं बात की जाए तो 1 रुपए में यहाँ पर गरीबों को भले ही इलाज मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो साइकिल स्टैंड लगा रखा है उस पर लूट मचा रखी है। 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक वो जो है आने वाले परिजनों से जो मरीज आते हैं, मरीजों के परिजन आते हैं। ठीक है आकाश, मेरे साथ एक मिनट, मेरे साथ जो अलीगढ़ से विधायक हैं वो यही जो इलाका यहाँ से जो विधायक है संजीव राजा, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं और कोशिश हम कर रहे हैं बार बार फोन मिला लेकिन फोन काट दिया है उन्होंने। तो सुना आपने, उनके इलाके की ये परेशानी है और ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फोन भी मिला रहे हैं लेकिन वो फोन काट रहे हैं। आकाश, ये समस्या आज की नहीं है, क्योंकि जिला अस्पताल को बने हुए काफी समय हो चुका है और ये समस्याएं लगातार सामने आ रही है। आप वहां पर मौजूद थे, आपने वहां की जो स्थिति है वो हम तक पहुंचाई है, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है वो क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की जो CMS हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, हालांकि उनसे इस संबंध में बात की गई और उनको जो है इन परेशानियों से अवगत भी कराया गया। उनका कहना यही है कि हमने शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, व्यवस्थाओं में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। और रही साफ सफाई व्यवस्था की, तो आए दिन यहाँ पर जो टीम है जो डेली आती है, साफ सफाई रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनको जो तस्वीरें हमने लाइव दिखाई, तब उन्होंने माना कि यहाँ पर जो
सफाई की व्यवस्था है बिल्कुल ठपी हुई है, लगा यहाँ पर कोई कर्मचारी यहाँ पर सफाई की व्यवस्था के लिए नहीं आता है। हालांकि आते हैं तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। इतनी सफाई व्यवस्था रहती है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बाड़ों में कुत्ते घूम रहे हैं और जगह जगह गंदगी फैली हुई है। और इसके बावजूद भी जो यहाँ पर जो मरीज जो रहते हैं उन्होंने बताया कि इलाज तो इलाज नाम के लिए इलाज होता है यहाँ पर। बिल्कुल, वो तो तस्वीरों में नजर आ रहा है आकाश, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है जो तीमारदार है बाहर यूं ही नीचे लेटे हुए हैं, आसपास गंदगी है, मासूम बच्चे भी वहीं पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर जो है वो जानवर सो रहे हैं, जहाँ पर जो वार्ड है, जो रिसेप्शन है, जहाँ पे पर्चियां कटती हैं, वहां पर तो यहाँ जानवर सोते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं, ना तो किसी का ध्यान जाता है ना ही बिल्कुल नजर जाती है। हालांकि जो मरीजों के जो परिजन आते हैं उनको बैठने तक की यहाँ पर व्यवस्था नहीं जाती, इसके बावजूद बाड़ों में कुत्ते घूम। और ये देखिए आकाश, हम लगातार विधायक जी को फोन कर रहे हैं लेकिन विधायक जी का नंबर लगातार बिजी जा रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को हम सुना देना चाहते हैं एक बार फिर से, और ये देखिए बार बार कोशिश कर रहे हैं हम लेकिन विधायक जी ना तो फोन उठा रहे हैं और लगातार उनका नंबर बिजी जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा जो विधायक हैं, और देखिए आकाश, हमने बताया था जो समस्या थी वो विधायक जी को बताया था, उसके बावजूद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया है और अब उनका नंबर बिजी जा रहा है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ पर पल्ला झाड़ा हुआ है और बता देने के बावजूद भी। इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं, जिलाधिकारी को भी हम यहाँ पर फोन मिला रहे हैं, इसके अलावा जो CMO है अलीगढ़ के उनसे भी अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो समस्या वहां के लोगों की बनी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो ही सही नहीं होगा, वही महकमा अगर ठीक से काम नहीं करेगा विभाग, तो फिर आगे आम जो लोग हैं उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। आकाश, इसके अलावा और कौन कौन सी जो तकलीफ है यहाँ मरीजों को होती है, और ये देखिए कुछ अलग ही तस्वीर नजर आ रही है, मरीज जो है वो बेड पर बैठे हुए हैं और नीचे जो है वो जानवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इनको हटाने वाला कोई नहीं है, स्टाफ नहीं रहता अस्पताल में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्टाफ की जो ड्यूटी रहती है दिन भर यहाँ पर 2400 घंटे ड्यूटी जो है तैनात रहती है बाड़ों में, लेकिन जो स्टाफ है यहाँ का अंडरटेनिंग स्टाफ है, मरीजों से लेकर जो मरीजों के परिजन है उनसे अभद्रता करते हैं। हालांकि इलाज के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तानाफूसी होती है बाड़ों में, आप देख सकते हो किस तरीके से कुत्ते जब घूम रहे हैं। तो इसकी शिकायत जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अलीगढ़ के जो CMO हैं, CMO साहब को जब शिकायत दी गई, तो हालांकि CMO साहब के कान पर भी जूनरी रही, उन्होंने तो अपने जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको लाइसेंस दे रखा है कि लूट मचाने का, किसी कोई भी शिकायत उनके पास पहुंचती है सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम पर कागजों में दबिश दे जाती है, आगे अग्रिम कार्रवाई कोई नहीं होती है। तो आप सुन रहे हैं जो दर्शक है हमारे, उनसे मैं लगातार बातचीत कर रहे हैं, विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव रजा नाम है। संजीव जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज वन इंडिया में। हेलो संजीव जी, आवाज आ पा रही है मेरी, मैं आपको सुन पा रही हूँ? संजीव जी, संजीव जी, आपके इलाके की एक तस्वीर सामने आई है मलखान सिंह जिला अस्पताल, और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, मामला बताने की कोशिश की जा रही है, हलो हलो करके फोन काट दिया जाता है, बता देने के बावजूद पहले ही बता दिया गया था कि आपके इलाके की समस्या है, अस्पतालों का ये हाल है, उसके बाद फोन उठाते हैं, पहले तो उठाते ही नहीं है, फिर उसके बाद नंबर बिजी हो जाता है, और जब उठाते हैं तो ये करते हैं। और ये देखिए, ये आकाश देखिए, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये हालात हैं, जो ये कहते हैं कि वोट दीजिए और हम आपका बेड़ा पार करेंगे। बेड़ा पार करने की तो बहुत दूर की बात है, ये तो फोन पर आ ही नहीं रहे हैं और समस्या ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इन्हें पता क्या होगा कि इनके आसपास इलाके में हो क्या रहा है, ये हालात है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जब प्रशासन जो जनता की जो परिजन है जनता की, अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो उनको एक आस रहती है कि जिनको उन्होंने वोट दिया उनके जनप्रतिनिधि इस समस्या को दूर करेंगे और कैसे कैसे इसका निपटारा करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा विधायक है अभी दो से तीन दिन पहले खुद अलीगढ़ के जिलाधिकारी सेल्वा पूजे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। DM साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। सेल्वा कूजे जिलाधिकारी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी, लेकिन फोन कट गया है।
कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, मुहिम लगातार चला रहे हैं और ये जारी भी रहेगी। मुहिम जो है हमारी वो जारी भी रहेगी, हम कोशिश करते रहेंगे, भले ही कितनी बार भी फोन कटे, कितनी बार ना उठाए, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना नहीं है, हकीकत दिखाना है और समस्या का समाधान निकालना है। क्योंकि हमने मुहिम छेड़ी है कि जहां जहां जो भी समस्या होगी हम दिखाएंगे और फिर वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, हम एक बार फिर से अलीगढ़ की जो जिलाधिकारी हैं उनको फोन कर रहे हैं, बेल जा रही है। शिल्पा कूजे जी, जिलाधिकारी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, आवाज आ रही है मेरी? शिल्पा जी, मलखान सिंह जिला अस्पताल है, वहां से एक समस्या आई है, क्या आपके संज्ञान में समस्या है? मैडम आवाज आ रही है मेरी? मैडम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक मामला है जो कि बहुत गंभीर है, वो हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। और ये देखिए फोन कट गया है और मुझे अपनी बात रखनी थी, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम समस्या सामने रखें, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं उनके, लेकिन या तो फोन कट जा रहा है या फोन उठ ही नहीं रहा है। जैसे विधायक जी ने तो फोन ही नहीं उठाया, जिलाधिकारी मैडम है उन्होंने तो फोन उठाया, लेकिन शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते करते हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो, ताकि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आम जनता जो आरोप लगा रही है कि वहां पर पैसे वसूले जाते हैं साइकिल स्टैंड के नाम पर। और एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। तो फोन की घंटी जो है डीएम की, वो आप सुन रहे हैं, और एक बार फिर से फोन उठाया गया है। शिल्पा जी आवाज आ रही है मेरी? मैडम नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूं मैं। हेलो मैडम, नहीं कोई साहब बोल रहे? साहब कौन बोल रहे हैं आप? टेलीफोन बोल रहे। क्या मेरी बात डीएम से हो सकती है, जिलाधिकारी अलीगढ़ से, शिल्पा जी से? निकली हुई है ऑफिस में। वो ऑफिस में है। आप साहब कौन? साहब मेरी बात हो सकती है क्या मैडम से? साहब आपने जो स्पीकर ऑन किया हुआ है उसको बंद कर दीजिए, मेरी बात क्या मैम से हो सकती है? न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बोल रही हूँ मैं। हाँ आपकी आपकी आवाज लेकिन मुझे सही नहीं सुनाई दे रही है, क्या मेरी बात मैडम से हो सकती है? आप स्पीकर ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी मुझ तक। देखिए मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ, ये देखिए फोन काट दिया गया है। क्या मेरी आवाज आ रही है? फोन काट दिया गया है। कोशिश हमने की थी कि मैम से बात हो सके, जो जिलाधिकारी उनसे बात हो सके, लेकिन फोन उठाया गया और फोन पर उस तरफ से कोई और था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम जो अपनी समस्या है वो उन तक पहुंचाएं। और मेरे सहयोगी अलीगढ़ से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, आकाश आपने सुना, हमने जिलाधिकारी को बार बार फोन करने की कोशिश की है, एक बार फोन उठाया भी गया लेकिन मैडम फोन पर मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने समस्या रखने की कोशिश की लेकिन उससे पहले ही फोन काट दिया गया। तो हो सकता है कि या तो बचने की कोशिश की जा रही है जिम्मेदारियों से,
या फिर पल्ला झाड़ा जा रहा है या फिर मामले को संज्ञान में ना लेने की एक और यहां पर तैयारी की गई है। जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, जनता जो है अपनी शिकायत लेकर के दोनों के समक्ष जाती है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती, सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है, जिसके कारण आप तस्वीरें देख सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह के लोग आते होंगे, आसपास के जो इलाके हैं हर जगह से लोग पहुंचते होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के जो जनपद है उनमें 7 विधानसभाएं हैं और हर अन्य जनपदों के भी जो पेशेंट हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाता है, उनका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। अगर यहाँ पर उनका कोई भी समस्या आती है जिसकी शिकायत लेकर के वो जो संबंधित अधिकारी हैं, जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको अवगत कराया जाता है, लेकिन उनके पास शिकायत पहुंचने के बाद उसका निस्तारण तो नहीं होता है, लेकिन वो जो कागजी कार्रवाई है वो कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। हालांकि कुछ ऐसी शिकायतें भी आई हैं जिसके बावजूद भी तस्वीरें ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, कई बार वीडियो वायरल होने के बाद उसका संज्ञान लिया गया है, लेकिन अभी तक इसके जो हालात हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। हालांकि हालात बिल्कुल बदतर से बदतर है, उनमें बिल्कुल आकाश हालात बस बदतर से बदतर है, लेकिन हम लगातार इस मुहिम को चलाए हुए हैं और चलाते रहेंगे। बात नहीं हो पाई है, किसी जिम्मेदार ने फोन नहीं उठाया, लेकिन आकाश आप लगातार अस्पताल की तस्वीर दिखाते रहिएगा, जो वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे बात करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर अगर उन्होंने शिकायत की है आगे तो सीएमओ की तरफ से क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कह रही हैं कि हमने इस मैटर को उठाया, शिकायत की, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी अपनी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिस तरीके से बताया कि जो मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जो शिकायत है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है, जल्द से जल्द इसका समाधान भी किया जाएगा, लेकिन जो अब देखना ये होगा कि कब तक इसका समाधान होगा, कब तक यहाँ का जो आने वाले जो इलाज कराने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका इलाज किस तरीके से होगा। हालांकि जो स्थिति जो बनी हुई है वो लगातार बनी रहेगी या उनमें कोई सुधार भी होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जो दोपहर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो डॉक्टरों को APD में बैठना होता है, लेकिन 10 बजे तक कोई भी डॉक्टर वहाँ मौके पर नहीं पहुँचता है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी होती है। उसके बावजूद अगर उन्हें इलाज के लिए अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराना होता है, हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो सबसे पहले एक सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट में दिखा लीजिए, हालांकि यहाँ पर इलाज की सुविधाएं जो है वो बिल्कुल बदतर से बदतर होती आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ लोगों को आते तो हैं लेकिन आने के साथ साथ ही वो यहाँ से प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, जो कि इनको यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाती है। प्राइवेट अस्पतालों में जाने के साथ साथ ही उनकी जेब पर डाका लगाया जाता है, उनके साथ लूट की जाती है, जिसका खामियाजा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कई बार देख चुका है कि जब यहाँ से निकलने के बाद मरीज जो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें थी मलखान सिंह जिला अस्पताल अलीगढ़ की। तो DM साहब भले ही फोन ना उठाए, CMO साहब भले ही फोन ना उठाए और विधायक जी का नंबर चाहे कितना भी बिजी जाए, लेकिन हमने मुहिम छेड़ी है, हम इस मुहिम को लगातार चलाएंगे, हम आवाज उठाएंगे और ऐसे मुद्दों को उजागर करेंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। इसी वादे के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर से एक और मुद्दा हम लेकर आएंगे, आवाज आपकी हम बनेंगे, ऐसे मुद्दों को उठाएंगे ताकि आपको सहूलियत मिल सके, जो आपका हक है वो आपको मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।